हाय गाइस, दिस इज़ विकास कैसर एंड यू आर वाचिंग अल्फा ग्राफिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रीलांसिंग की पिछली क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, जिस तरह से मैंने आपको अपवर्क और इसी तरह से फ्रीलांसर के ऊपर जो है उसका ब्रीफ ओवरव्यू दिखाया था। इसी तरह से आज हम तीसरी सबसे बड़ी फ्रीलांस मार्केट जिसका नाम guru.com है, इसका ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरीके से guru.com का इंटरफेस नजर आता है और किस तरीके से guru.com के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पे को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है। यहाँ पे आप एड्रेस बार को गूगल टाइप कर लें और यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है guru.com, जैसे ताकि हम यहाँ से नया अकाउंट क्रिएट कर सकें। तो ये जी guru.com का जो यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अपवर्क और फ्रीलांसर की तरह यहाँ पर जॉब के कुछ सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रोग्रामिंग है, डेवलपमेंट है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, डिज़ाइन एंड आर्ट लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और सेल्स मार्केटिंग बिजनेस है और इसी तरह से बाकी भी यहाँ पर आप देखें तो ये सारी सर्विसेज लिखी हैं जो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है Find and hire expert freelancer। आप यहाँ पर expert freelancer जो है वो उनको hire कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप यहाँ पर अगर नीचे देखें तो यहाँ पर देखे लिखा हुआ है 8 million जो है यहाँ पर employer worldwide है, 1 million paid invoices हैं यहाँ पर, 250 million यहाँ पर paid to freelancer कर चुके हैं ये, ठीक है। 99% कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है यहाँ पर, फाइंड टॉप फ्रीलांसर। और इसी तरह से उनके तमाम स्किल्स यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिज़ाइन एंड आर्ट है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन व प्रोग्रामिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, शेयर मार्केटिंग है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स हैं। और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएँ तो बाकी भी इंतहाशा स्किल्स हमें नीचे नज़र आएंगे। अगर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप लोगों के पास भी स्किल्स है तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, .NET है, सी प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, PHP, MySQL, JavaScript। और ये देखें भी इंतहाशा स्किल्स जो है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ट्रांसलेटर से रिलेटेड वो तमाम स्किल्स लिखे हुए हैं। और नीचे हम और मज़ीद जाते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग के, तो वो तमाम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। फेसबुक मार्केटिंग है और ईमेल मार्केटिंग है। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर चले जाएँ तो यहाँ पर लिखा हुआ डाटा एंट्री सर्विसेज है, ईमेल सपोर्ट है, ठीक है, PDF कन्वर्जन है यहाँ पर। और इसी तरह से बाकी बहुत सी सर्विसेज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर मज़ीद हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट जॉब हायर फ्रीलांसर गेट वर्क डन मेक सिक्योर पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो आप अपने सिक्योर जो है वो पेमेंट आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो फ्रीलांसर, ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो वेबसाइट है। और मेरे टीचर जो है श्याम सर्वर साहब है वो यहीं पर जो है वो टॉप रैंकिंग पे रहे हैं यहाँ पर। उनकी जिस तरह से आप लोग अगर देखें तो टॉप पे यहाँ पर तस्वीर एक नज़र आ रही थी, इसी तरह से ये देखें यहाँ पर इस तरह से हमारे सर श्याम सर्वर साहब की भी यहाँ पर इसी तरह से तस्वीर लगी थी। और उनकी भी ख्वाहिश है और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हम में से भी कोई एक यहाँ पर इसी तरह से उसका भी साथ में इंफोग्राफी लिखी हो और उसकी मतलब जो है ना अच्छी एक यहाँ पर रिप्यूट हो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करेगा। तो चलिए हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप फेसबुक से साइन अप हो सकते हैं, लिंक्डइन से हो सकते हैं और जीमेल से हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जीमेल पे क्लिक करता हूँ।
लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर मैं नीचे ईमेल लिख लूँगा, @gmail.com, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कह रहा है जी यहाँ पर पूरी अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो एंटर करें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉयर हैं या आप फ्रीलांसर हैं। एम्प्लॉयर जो कि हमें जॉब देता है और फ्रीलांसर मैं, यानी आप जैसे बहुत से लोग जो वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर फ्रीलांसर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख लूँगा जी, पासवर्ड वो कह रहे हैं जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप रखें, चले मैं ये रख लेता हूँ पासवर्ड। वो कह रहा जी पासवर्ड मस्ट कंटेन 1 लोअर केस लेटर, ठीक है। आपने पासवर्ड जो है रखना है, जब उसको आपने इसी तरह से रिक्वायरमेंट को पूरा करके लिखना है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे ईमेल पे एक जो है वो का जो है वो कोड नज़र आएगा। मैं यहाँ से अपना ईमेल करता हूँ ओपन और यहाँ पर मुझे जो ईमेल आई होगी मैं उस ईमेल से जो है वो ये 3 करी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरे ईमेल पर उन्होंने कोड भेजा है, उस कोड को मैं यहाँ पर लिखूँगा guru.com की स्क्रीन पे, तो फिर ही जाके मैं उससे लॉगिन हो सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ईमेल लिखने पे गया और यहाँ पर ये देखिए मुझे वेरीफाई अकाउंट का जो है वो यहाँ पर 4 डिजिट का जो है वो कोड नज़र आ रहा है। मैं ये कोड यहाँ से सिंपल करता हूँ कॉपी और दोबारा इसी तरह से यहाँ पर जाकर टाइप कर दूँगा, लेकिन आपने 1 by 1 करना है, 3 5 2 3, ठीक है जी। और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे पूछा है सिक्योरिटी क्वेश्चंस के हवाले से, तो आप यहाँ पर लिख दें जी अपना कोई भी कस्टम क्वेश्चन लिख ले, व्हाट इज़ द लास्ट नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, ठीक है। आप अपना लिख सकते हैं जी, मैं अपने टीचर का नाम लिखता हूँ श्याम सरवर साहब। और सेकंड क्वेश्चन है जी व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, तो मेरा पहला पेट था उसका नाम बेला था, ठीक है जी। और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हाट वाज योर फेवरेट बुक एज ए चाइल्ड हार्ट, और यहाँ पर ऊपर पूछ रहा है व्हाट वाज योर फेवरेट प्लेस टू विजिट ए चाइल्ड, तो मैं जू लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि जी अपना मोबाइल नंबर जो है वो तो वेरीफाई करें आप, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है ताकि आपको जो है यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन मिले और आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाए। ये नहीं कि आप मेरा ही नंबर जो लिख दें यहाँ पर, तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई नहीं होगा। एक कोड जो है वो सेंड होगा इस नंबर पे और वो कोड जो है आपने यहाँ पे लिखना है 6 7 7 2 0 3, ठीक है जी।
पर कोड लिखता हूँ। कोड जी अभी नहीं आ रहा, तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं स्किप दिस फॉर नाउ। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारा जो यहाँ पर एड्रेस पूछ रहा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप अपना लिखिएगा। गोलब्रुक लिख दिया, कंट्री पाकिस्तान लिख दिया, ऑटोमेटिकली उसने जिप कोड भी ले लिया और जो एशियन टाइम भी उसने ले लिया। यहाँ पर अगर आप को कराची नज़र आता है, कराची या इस्लामाबाद, तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह से ही मुझे डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूँगा जी ग्राफिक डिज़ाइनर, आप अपनी जो है मर्जी से लिखिएगा अपना टाइटल। आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है जी, और मज़ीद आप जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। आप अपना उसको रेट बताएंगे कि जी मैं कितना, मिनिमम जो है $5 लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं, मिनिमम बजट आप लिख सकते हैं यहाँ पर 25 और इससे ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी लिख सकते हैं, और कैटेगरी आप यहाँ पर डिज़ाइन एंड आर्ट पर क्लिक करेंगे और पब्लिश नाउ पर क्लिक कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमारी जो है वो प्रोफाइल बन चुकी है। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें भी इसके अंदर डालते हैं, आपको पहले यहाँ पर दिखा लें कि ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी तो मेरी यहाँ पर प्रोफाइल जो है वो विजिबल हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं फाइंड वर्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें मेरे फील्ड से रिलेटेड जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, बाकी हम पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पिक्चर लगाते हैं और यहाँ इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि आप इसका जो है वो कवर फ़ोटो भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करें जो आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्ज करें मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारी यहाँ पर पिक्चर इस तरह से लग चुकी है। और बाकी यहाँ पर वो कह रहा है कि ओवरव्यू इंडिविजुअल टैग लाइन आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, नीचे आप अपने बायो लिख दें, आई एम प्रोफेशनल। ग्राफिक डिज़ाइनर,
एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन लिख दे ठीक है। वर्क टर्म आप यहाँ पर लिखें, आप पेमेंट टर्म लिख सकते हैं, आवरली आप चार्ज करेंगे या आप पेमेंट टर्म यहाँ लिख दें। प्रोजेक्ट ठीक है जी, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे आप कोई वीडियो अगर आपने कोई बनाई हुई है ऑलरेडी, कोई प्रोजेक्ट है आप जिस तरह से आकर अगर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है और यहाँ कोई आपका याहू पे या किसी डेली मोशन पे, साउंड क्लाउड पे, किसी पे भी उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर अगर सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पे योर पोर्टफोलियो इज एम्प्टी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं आप, कोई सा भी आप अपना स्किल जो है वो, चाहे वो पिक्चर की सूरत में हो, वीडियो की सूरत में हो, आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं ठीक है जी। और इसी तरह से अबाउट में आप यहाँ पर पिक्चर आगे फीडबैक आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंबरशिप यहाँ पे, और यहाँ पर अभी देखिए ये मेरी मेंबरशिप चूँकि फ्री है, करंट फ्री है, बेसिक जो है वो $8 की है ठीक है, प्रोफेशनल जो है वो यहाँ पर $15 की है और बिजनेस जो है वो यहाँ पर $34 की, $39 की एग्जेक्टिव है। और जो है वो बिड्स का बता रहे हैं कि बेसिक के अंदर जो है वो आपको 9 जो है वो परसेंट जो है जॉब होगी, और बेसिक के अंदर भी प्रोफेशनल के अंदर जो है वो 7%, और जो बिड्स होंगी किसमें प्रोफेशनल में जो है वो बता रहा है जी आपको 600 जो है वो बिड्स मिलेंगी। और इसके साथ साथ नीचे जो है वो देखें तो पर ईयर आपको यहाँ पर फ्री का दिया जाओ जॉब एंड क्यू आपको फ्री दिया जाएगा, और इसके अलावा अनलिमिटेड प्रोफाइल दिया जाएगा, 2K बो बूस्ट दिया जाएगा, और कॉस्ट 15 बिट दी जाएगी। ये तमाम सहूलियात जो है वो अगर आप पे करके अपनी मेंबरशिप लेते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ठीक है। बिट्स अगर देखें यहाँ पर तो बिट्स जो है वो करंटली मेरे पास 10 बिट्स हैं, और मैं इसको अगर अपग्रेड नहीं करूँगा अपनी मेंबरशिप को तो मेरी अगर ये 10 बिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी जल्दी से ही ठीक है जी। और यहाँ पर बता रहे हैं यू हैव रिसीव 10 मोर बिट्स व्हेन योर मेंबरशिप इज रीन्यू ठीक है। वो जो आगे मुझे डेट भी बता रहा है July 26 है। प्रोफाइल स्टेटस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ठीक है जी। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल, पेमेंट पे अगर क्लिक करें तो पेमेंट के लिए आप यहाँ पर ऐड ट्रांसफ़र मेथड आप यहाँ पर अपना बैंक का लिख सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, पेनियर का अकाउंट है अगर आपका पेनियर का अकाउंट बना हुआ है, अगर नहीं बना तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से पेनियर का अकाउंट क्रिएट करते हैं ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पर पेमेंट ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड बैंक अकाउंट ठीक है। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट की तमाम तफसील यहाँ पर ऐड कर दें ठीक है जी। यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट्स की तफसील लिखें और इसके बाद यहाँ पर कैश अकाउंट है और फॉर्म है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है आपकी, इनवॉइस है और फाइंड जॉब है ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली क्लास जो थी अकाउंट क्रिएशन के ऊपर, अभी इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊँगा और सिखाऊँगा कि किस तरीके से बिड करती हैं। अभी जो है ना मैं फ़िलहाल के लिए आपको बस अकाउंट जो है वो क्रिएट करना सिखाना चाहता था ताकि आप एटलीस्ट अपने अकाउंट क्रिएट कर लें तमाम फ्रीलांस मार्केट में, ताकि आप लोगों को जब मैं किसी प्रपोज़ल के बिड की बात करूँ या कोई आपको बताऊँ कि कौन से प्रपोज़ल के ऊपर आप बिड कर सकते हैं, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको
दूंगा। तो आप तब तक के लिए अपने अकाउंट जो है वो ज़रूर क्रिएट करके रखें अपने पास, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वाली भी जो है वो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इस क्लास में कुछ कमी नज़र आई है तो प्लीज़ आप वो भी मुझे फीडबैक उसका दे सकते हैं कमेंट सेशन में कमेंट करके। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त।